ऐसा बताया नहीं, तो एटमोस्फेरिक प्रेशर पड़ेगा। एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? एटमोस्फेरिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जो एटमोस्फेयर के द्वारा एग्जर्टेड होता है, ठीक है ना। ऐसा प्रेशर जो एटमोस्फेयर एग्जर्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं? एटमोस्फेयरिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है ना। प्रेशर का फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है? प्रेशर का फॉर्मूला होता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है ना। इसका मतलब जितना ज्यादा एरिया होगा उतना प्रेशर कम होगा, जितना कम एरिया होगा उतना प्रेशर ज्यादा होगा। सबको ये पता है, अपने हाथ में अगर सुई चुबाओगे तो दर्द ज्यादा होगा, ये मार्कर चुबाओगे तो दर्द उतना नहीं होगा, पर इतने प्रेशर से अगर मैं सुई चुबाता तो शायद वो पूरी अंदर चले जाती, ठीक है ना। तो क्योंकि सुई का एरिया कम है और प्रेशर ज्यादा है, ठीक है ना। और ऐसे ही हमारे पास एटमोस्फेयर होता है, क्योंकि एटमोस्फेयर के द्वारा जो लगाया हुआ प्रेशर होता है उसको हम क्या कहते हैं? एटमोस्फेयरिक प्रेशर कहते हैं। अब ये है, देखो ये सबने देखे होंगे, इसको बोलते हैं चिपकू, ठीक है ना, ठीक है ना, इसको चिपकू बोलते हैं, ठीक है ना। ये 2 रुपए के आते हैं, ये 2 रुपए का एक है, ठीक है ना। ये 2 रुपए के एक है, काफी टाइम पहले मैंने मंगवाए थे पिछली क्लास का एक्सपेरिमेंट दिखाने के लिए, आज मैं तुम लोगों को दिखा रहा हूँ। तो ये चिपकू जो है, ये चिपकू इतनी खतरनाक चीज है, 2 रुपए में एटमोस्फेयरिक प्रेशर का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं हम इससे। देखो इस चिपकू को मैं अगर यहां पर चिपकाता हूँ, मैंने इसको इसे चिपका दिया, ठीक है ना, तो तुम ये देखोगे कि अब ये इससे निकलने वाला नहीं है। अगर हम इसमें परपेंडिकुलरली फोर्स लगाएं तो ये परपेंडिकुलर फोर्स लगा के इससे ये निकलेगा नहीं। ये देखो अगर मैं इसको चिपका दूं इसमें तो ये इससे क्या होगा? परपेंडिकुलरली फोर्स लगा के ये निकलेगा नहीं। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि अब इसमें क्या हो गया है? एटमोस्फेयरिक प्रेशर लगना शुरू हो गया। किसको निकालना है? ले आ जा निकाल, बट वो इसको परपेंडिकुलरली फोर्स लगा के निकालना है। नहीं ऐसा कैसे खिसके, ऐसे कैसे खिसकेगा ही नहीं। बोर्ड निकल गया, बोर्ड बोर्ड ही निकलना चाहिए बस। ऐसे कर दे, ऐसे कर दे। नहीं ना, उसको उसको सिर्फ उसको परपेंडिकुलर निकालना, जहां से पकड़ रखा वहीं से निकालना बस। ये वो जान लगानी पड़ी ना, जान लगानी पड़ी, निकालना बहुत मुश्किल है। क्योंकि क्या हो रहा है? एटमोस्फेयर ने इस पर क्या लगाया? प्रेशर लगाया। चिपकू पुराना भी हो गया थोड़ा सा, इसके अंदर यहाँ पर से कट भी गया थोड़ा सा साइड साइड से। बट अब देखो इसको निकालने का सबसे इजी तरीका, देखो क्या है, इसको निकालने का सबसे इजी तरीका क्या है? अगर हम क्या करें, इसके अंदर हल्की सी हवा चली जाए। देखो अभी हम क्या कह रहे हैं, देखो देखो मैं तुमको बताता हूँ, ये देखो हो क्या रहा है, देखो समझ रहे हैं। ये कोई ये वॉल है, इस वॉल में ये लगा हुआ है चिपकू लगा, जैसे हमने इसको चिपकू ऊपर लगाया, इसके अंदर क्या थी? हवा थी, इसके अंदर हवा थी। अब इस हवा को जैसे ही हमने इसको प्रेस किया, जैसे ही हमने इसको प्रेस किया, प्रेस करने से क्या हो गया? ये इसकी हवा सारी की सारी लिबरेट हो गई, साइड से निकल गई, और ये पूरा क्या हो गया? इसमें फ्लैटली चिपक गया, ये फ्लैटली चिपक गया। अब इसके अंदर का प्रेशर बिल्कुल क्या हो गया? नेग्लिजिबल हो गया, क्योंकि सारी जो हवा थी, जो एयर का प्रेशर था, हमने क्या कर दिया? बाहर निकल गया। अब यहां प्रेशर हो गया लो, बट बाहर तो हमारा एटमोस्फेयर है, एटमोस्फेयर का तो भाई प्रेशर हाई है। अब प्रेशर हाई है तो यहाँ उसको प्रेशर लगाने लग गया ये इसको, ठीक है ना। यहाँ पर ये इसको क्या लगाने लग गया? प्रेशर हाई, प्रेशर टू लो, यहाँ पर इस पर प्रेशर लगने लग गया, तो ये क्या हो गया? निकलना इसका बंद हो गया। बट अगर हमें इसको निकालना है, अगर हमें इसको निकालना है तो कुछ नहीं करना, जैसे हमने इसको लगाया, निकालने के लिए क्या करना है? हल्का सा इसके अंदर क्या करना है? हल्का सा अगर एयर ब्लो होगी, जैसे इसके अंदर एयर ब्लो होगी, देखो ये निकल जाएगा अपना, कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ा। और इसको जैसे इसके अंदर हवा ब्लो होगी, ये देखो ये अपने आप निकल जाएगा। तो ये होता है एटमोस्फेयरिक प्रेशर। एटमोस्फेयरिक प्रेशर का मतलब जो एटमोस्फेयर के द्वारा एग्जर्ट किया हुआ प्रेशर होता है। और एटमोस्फेयरिक प्रेशर अलग अलग हाइट पे भी डिपेंड करता है, डिफरेंट हाइट पे। कहने का मतलब यह है कि समुद्र के